अच्छा अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब जो हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करेंगे, जिसको हम यूज करेंगे, उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। और मैंने बताया था उसका वर्जन हम 2013 यूज करेंगे अपने इस लेक्चर सीरीज में। तो एमएस प्रोजेक्ट के फीचर्स की मैं बात करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसका पहला पॉइंट एफिशिएंट वर्क प्लान, मतलब जो जो आपको काम करना है उसकी प्लानिंग बहुत एफिशिएंट, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो इस एमएस प्रोजेक्ट में। ठीक है, फिर दूसरा इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई देखो, एमएस प्रोजेक्ट के अंदर हम सिर्फ टास्क को मैनेज नहीं करते, हम उन टास्क के अंदर जो रिसोर्सेज यूज होंगी उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब वो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, वो आपके पास मशीन रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, और बहुत सारी चीजें। फिर देखो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कोलैबोरेटिव मतलब के जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, वो कोलैबोरेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और उनके मुताबिक वो सारे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्विक एक्सेस टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब देखो, जब प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने कौन कौन से टास्क हैं उसको आइडेंटिफाई किया, कौन सा टास्क किस बंदे को मिलेगा ये आइडेंटिफाई किया, एक टास्क कितना ड्यूरेशन लेगा, उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी, ये सारी चीजें उसने एक जगह रिकॉर्ड कर ली, और वो जगह कौन सी है? एमएस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जब मैंने वो सारी चीजें सेव कर ली एक जगह पे, उसकी एक फाइल बना के मैंने सेव कर ली, तो इसका मतलब अगर मुझे 3-4 दिन बाद कोई चीज रिकॉल करनी है, ठीक है, कि भाई मैंने इस बंदे को कौन सा टास्क दिया था, तो मैं क्या करूंगा, एक क्लिक पे, ठीक है, मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा और सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्विक एक्सेस टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर यहां पे देखो, इजी अपडेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। इसका मतलब ठीक है, देखो अब अगला पॉइंट, इजी अपडेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। इसका मतलब कि जो भी हम प्रोजेक्ट्स और उसके जितने भी प्लान्स हम रिकॉर्ड करते हैं एमएस प्रोजेक्ट में, उसको अपडेट करना और मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान है। ये भी इसका फीचर है, किसका? एमएस प्रोजेक्ट का। फिर देखो बिल्डिंग डायनामिक शेड्यूल्स। भाई देखो, हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट है ना, स्टैटिक मतलब फिक्स, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बिल्डिंग डायनामिक शेड्यूल, मतलब ऐसे शेड्यूल्स हम बना सकते हैं जो डायनामिक होते हैं, मतलब जो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं होता कि भाई एक टास्क को जो हम शेड्यूल कर रहे हैं वो स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायनामिक शेड्यूल भी बना सकते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट, इंटीग्रेशन विद अदर एमएस ऑफिस एप्लीकेशन। भाई देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मर्ज करना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो एमएस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी डेटा होता है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी चार्ट वगैरह होते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम एमएस ऑफिस की दूसरी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट का मतलब भाई, फॉर एग्जाम्पल एमएस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है गैंट चार्ट का। ठीक है, एक चार्ट होता है जो हमारे टास्क की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। मैं चाह रहा हूं कि वो टास्क, मतलब वो जो गैंट चार्ट है, वो मैं उठा के अपनी किसी और एक्सेल फाइल में, पावर पॉइंट में या एमएस वर्ड के अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं इसकी मदद से। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। अब देखो, अब यहां पे कुछ यूजर इंटरफेस के फीचर्स की बात करना है। ठीक है, एमएस प्रोजेक्ट का जो यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एमएस प्रोजेक्ट यूजर इंटरफेस कंप्राइजेस द फॉलोइंग कोर कंपोनेंट्स। मतलब ये कुछ कोर कंपोनेंट्स का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में पता होना लाजमी है। ठीक है, अब देखो, मेन्यू रिबन, बैक स्टेज व्यू, स्टेटस बार और हेल्प। मैं आपको सबसे पहले
इसका इंटरफेस दिखाता हूँ, फिर इसकी सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको मेंशन करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने एमएस प्रोजेक्ट में, ठीक है। देखो ये हमारे पास है एमएस प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब मैंने ओपन कर लिया। इसका वर्जन कौन सा यूज करेंगे हम, 2013, ठीक है। अच्छा, और ये आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि ये आपको जो हमारा इंट्रोडक्शन की वीडियो है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का, ठीक है। आप मीडिया फायर से, मतलब वो लिंक मीडिया फायर का आप वहां से डाउनलोड करोगे और बिल्कुल आसान इंस्टॉलेशन है, आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, देखो ये आपके पास 2013 का वर्जन है ना, इसका मतलब अगर किसी ने एमएस ऑफिस 2013 यूज किया होगा तो जब भी आप उसको ओपन करते हो तो पहला पहला आपके पास ये स्क्रीन आती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ब्लैंक प्रोजेक्ट भी है और बने बनाए टेम्पलेट्स भी मौजूद है, ठीक है। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है। यही अगर मैं एमएस वर्ड ओपन करता तो वहां पे आपके पास क्या होता, ब्लैंक फाइल भी आ रही होती है और सीवी के टेम्पलेट्स भी आ रहे होते हैं, लेटर के टेम्पलेट्स भी आ रहे होते हैं और इस तरह, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे किसके ऊपर काम करेंगे, ब्लैंक प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ इस ब्लैंक प्रोजेक्ट पे, तो हमारे पास ये एक आ जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा ये एक इंटरफेस है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरफेस के अंदर हमारे पास कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन्यू रिबन, अब देखो यहाँ पे मेन्यू रिबन किसको कह रहा है, देखो ये जो आपके पास पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये पोर्शन आपके पास क्या कहलाता है, मेन्यू रिबन। मेन्यू रिबन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, टैब्स आ जाते हैं, ठीक है, और टैब्स के अंदर आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है भाई। देखो ये सेम उसी तरह आपको लग रहा होगा एमएस वर्ड की तरह, एमएस एक्सेल की तरह और पावर पॉइंट की तरह, उसमें भी मेन्यू रिबन्स होते हैं, क्योंकि देखो एमएस प्रोजेक्ट हमें एमएस ऑफिस सूट के अंदर नहीं मिलता। वो जो एमएस ऑफिस का पैकेज होता है ना, जिसके अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सारी चीजें मिलते हैं, उसके अंदर एमएस प्रोजेक्ट नहीं होता, हमें ये अलग से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन इसका यूजर इंटरफेस और इसकी सारी चीजें उसी तरह है जिस तरह हम एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, मेन्यू रिबन, ठीक है। फिर इसको हम क्लोज करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, बैक स्टेज व्यू। भाई देखो ये बैक स्टेज व्यू भी उसी तरह कॉमन है जिस तरह एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में। तो बैक स्टेज व्यू के अंदर जाएंगे कैसे, देखो ये आपको फाइल नजर आ रहा है, फाइल का बटन ग्रीन कलर का टॉप लेफ्ट साइड पे, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये कहलाता है बैक स्टेज व्यू, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं, वन ड्राइव मतलब क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, फिर कंप्यूटर में डेटा सेव कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें, ठीक है, ये आपका कहलाता है बैक स्टेज व्यू। फिर यहाँ पे स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार कौन सी होती है, देखो ये जो आपको लास्ट एक बार नजर आ रही है जिसके अंदर देखो मैसेज क्या लिखा हुआ है, न्यू टास्क मैनुअली शेड्यूल, सही है। ये आपके पास पूरी की पूरी क्या है, स्टेटस बार है, जिसके अंदर जूम का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, आप जूम बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, और व्यूज डिफरेंट व्यूज होते हैं, मतलब अभी ये हमें जो व्यू नजर आ रहा है ये कौन सा व्यू है, गैंट चार्ट, ठीक है। अब देखो और इसके बाद लास्ट क्या था आपके पास, लास्ट आपके पास है हेल्प, ठीक है, मतलब अगर इंटरनेट के थ्रू मुझे इस सॉफ्टवेयर को समझना है, कोई हेल्प लेनी है, तो देखो हमारे पास टॉप राइट साइड पे ये बटन नजर आ रहा है आपको, ये जो मिनिमाइज का बटन होता है, मैक्सिमाइज का होता है, क्लोज का होता है, इसके साथ ये क्वेश्चन मार्क का बटन नजर आ रहा होगा, ये होता है हेल्प, ठीक है। तो वन बाय वन अगर इन चीजों को मैं बताऊं आपको, सबसे पहले रिबन की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, जो मेन्यू रिबन, एट द टॉप ऑफ द एमएस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन विंडो इज अ कलेक्शन ऑफ मेन्यू कमांड्स कॉल्ड द रिबन, मतलब ये रिबन के अंदर सारे टैब्स आ जाते हैं और हर टैब के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके पास किसके अंदर आ जाते हैं, रिबन के अंदर आ जाते हैं। फिर यहां पे देखो सेकंड पॉइंट, द रिबन प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेरियस फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ एमएस प्रोजेक्ट एट वन प्लेस, इसका मतलब जितने भी फीचर जितने भी फंक्शंस जो हमें एमएस प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है वो सारे आपको कहां पे मिल जाते हैं, रिबन में मिल जाते हैं, ठीक है, ये इसका पॉइंट है।
फिर देखो द रिबन कंटेन्स सेवरल टैब्स, मतलब रिबन बहुत सारे टैब्स कंटेन करता है, जिस तरह टास्क, रिसोर्स, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, व्यू, टीम, फॉर्मेट, ये क्या है, सारे टैब्स हैं जो रिबन का के अंदर आते हैं। फिर यहां पे देखो ईच टैब इज अ सेट ऑफ मेन्यू कमांड्स एंड फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। अब देखो ये लॉजिकल ग्रुप्स क्या है भाई, देखो मैंने अभी यहां पे कौन सा टैब सेलेक्ट किया हुआ, टास्क। अब ये सारे उसके ऑप्शंस हैं, ठीक है, फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो यहां पे देखो आपको कुछ लॉजिकल ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, एक व्यू, एक क्लिपबोर्ड, एक फॉन्ट, एक शेड्यूल, टास्क, इंसर्ट, प्रॉपर्टीज, एडिटिंग, ये सारे क्या हैं, लॉजिकल ग्रुप्स हैं। इसका मतलब देखो कॉपी पेस्टिंग, कट पेस्टिंग का जितना भी काम है, फॉर्मेटिंग, मतलब ये फॉर्मेट प्रिंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जितना भी काम है ये सारा एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, और उसका नाम क्या रख दिया है, क्लिपबोर्ड। फॉन्ट से रिलेटेड, बोल्ड करना, बड़ा करना, कलर चेंज करना, उनके लिए कौन सा लॉजिकल ग्रुप बनाया हुआ है, फॉन्ट, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग लॉजिकल ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखो द रिबन कैन बी मिनिमाइज्ड व्हेन नॉट इन यूज टू मैक्सिमाइज द वर्क स्पेस। भाई देखो अक्सर ऐसा होता है ना, हम यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा वर्क स्पेस है, ठीक है। आपको ये दो पोर्शन नजर आ रहे होंगे, ये एक्सेल की तरह नजर आ रहा होगा, और ये कहलाता है राइट साइड पे गैंट चार्ट, ठीक है। मतलब जो भी डेटा हम यहाँ पे इस एक्सेल की शीट के अंदर, मतलब एक्सेल की तरह एक शीट है, इसके अंदर जो भी डेटा टाइप करेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस राइट साइड के गैंट चार्ट में हमें मिलेगा। और ये कौन सा चार्ट होता है, बार चार्ट, जिस तरह एमएस वर्ड में पाई चार्ट होता है, 2D 3D चार्ट होता है, लेकिन गैंट चार्ट कौन सा चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क स्पेस है जिसके अंदर ये बॉक्सेस आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं, और गैंट चार्ट ये पूरा वर्क स्पेस है। अब देखो होता क्या है, अक्सर ये जो टैब के नीचे जो मेन्यू आपको नजर आ रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। मैं चाह रहा हूं ये पूरा का पूरा मेन्यू हाइड हो जाए, मतलब टास्क का एक अलग मेन्यू है, रिसोर्स का एक पूरा अलग मेन्यू है, मैं चाह रहा हूं इसको मैं हाइड कर दूं। तो हाइड हम दो तरीकों से कर सकते हैं। देखो मेरे पास अभी कौन सा मेन्यू ओपन है, टास्क टैब का मेन्यू ओपन है, मैं चाह रहा हूं ये हाइड हो जाए, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो देखो वो मेन्यू हाइड हो गया, मतलब जिस टैब के मेन्यू को आपने हाइड करना है उसके ऊपर माउस ले जाकर आप लेफ्ट क्लिक करोगे दो दफा, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं ना, जिस तरह फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं ओपन हो जाती है, सेम उसी तरह। इससे फायदा क्या है, देखो हमारा वर्क स्पेस बढ़ गया, ठीक है, मतलब ये जो सेल्स थे और गैंट चार्ट था इसका स्पेस हमारे पास ज्यादा हो गया। और ये काम हम कब करते हैं, जब हमें इस मेन्यू की जरूरत नहीं होती। अच्छा हाइड तो कर दिया, अब अगर वापस लाना है तो क्या करूंगा, तो दोबारा उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, टास्क है ना, टास्क के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ये मेन्यू हमारे पास दोबारा अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लिक के थ्रू किया, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। यहां पे देखो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दिस कैन बी डन बाय क्लिकिंग द रिबन बटन प्लेस नेक्स्ट टू द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आइकन, ठीक है। लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा आपको शॉर्ट बता दिया कि आप क्या कर सकते हो यहां पे, ठीक है, मतलब इसके ऊपर डबल क्लिक करो ये हाइड हो जाएगा, डबल क्लिक करो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1 टाइप करोगे तो जो टैब सेलेक्टेड है उसका मेन्यू क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और कंट्रोल F1 करके ही वो दोबारा आ जाएगा। तो देखो मैं कंट्रोल F1 करता हूं तो देखो हाइड हो गया, और कंट्रोल F1 दोबारा करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक ये भी शॉर्टकट है, ठीक है, कंट्रोल F1। फिर आगे चलते हैं, अब देखो स्टार्टिंग विद द ऑफिस 2007 सूट, मतलब ये कह रहा है जब 2007 आया था, माइक्रोसॉफ्ट रिमूव द मेन्यू बार एंड रिप्लेस्ड इट विद द फाइल टैब, मतलब वो जो मेन्यू बार थी उसको रिमूव कर दिया गया था और एक फाइल का टैब ले आए थे, और फाइल के टैब पे क्लिक करने में जो जो ऑप्शन मेन्यू बार में शो होते थे वो कहां पे चले गए, बैक स्टेज व्यू में चले गए, सही है। मतलब हमारे पास एक छोटा सा मेन्यू खुलता था,
उसको हम मेन्यू बार कहते थे, लेकिन वो नहीं है। मतलब देखो होता क्या था, जब हम यहाँ पे क्लिक करते थे तो एक मेन्यू ओपन होता था, वहां से हम अपनी फाइल सेव भी कर सकते थे, ओपन भी कर सकते थे, न्यू भी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन 2007 के बाद वो सारा काम कहाँ पे चला गया, बैक स्टेज व्यू में चला गया। मतलब अगर आप फाइल में जाओ तो देखो ये बैक स्टेज व्यू है, मतलब अब यहाँ पे आप सेव करो, सेव एज करो, प्रिंट वगैरह, वो सारा काम अब बैक स्टेज व्यू में चला गया। लेकिन पहले क्या होता था कि एक छोटा सा मेन्यू ओपन होता था यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे देखो द फाइल टैब इज द ग्रीन बटन एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रिबन। मतलब फाइल टैब हमें कहाँ पे मिलता है, टॉप लेफ्ट साइड पे ग्रीन बटन होता है वो हमें मिलता है। फिर जब फाइल टैब पे आप क्लिक करते हो तो क्या ओपन हो जाता है, बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ स्टेटस बार, ठीक है। अब देखो रिबन कहाँ था, स्क्रीन के बिल्कुल टॉप साइड पे। स्टेटस बार कहाँ होगी, एट द बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन विंडो इज अ स्टेटस बार, ठीक है, मतलब बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था जहां पे मैसेज शो रहा है न्यू टास्क मैन्युअली शेड्यूल्ड, ये पूरी बार कौन सी बार कहलाएगी, स्टेटस बार, जिसके अंदर व्यूज चेंज करने के हमारे पास कुछ व्यूज हैं, जूम इन जूम आउट, और देखो अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो राइट क्लिक करने में भी कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जिस तरह आप अपनी स्टेटस बार को जिससे कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये नजर आ रही है जूम करने के लिए, मैं चाह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, तो ये जो जूम स्लाइडर के ऊपर चेकबॉक्स लगा हुआ है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चेक करेंगे तो देखो हमारे पास जो जूम स्लाइडर आ रहा था वो चला गया, ठीक है, लेकिन हम उसको वापस ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जूम और मिनिमाइज करने का मतलब कम करने का चाहिए ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ और ऑप्शन है, तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाती है, आपके पास स्टेटस बार। सेकेंड पॉइंट, द स्टेटस बार डिस्प्लेस की प्रोग्राम सेटिंग्स दैट प्रोवाइड शॉर्टकट्स टू यूजफुल फंक्शंस, ठीक है। मतलब स्टेटस बार के अंदर बहुत सारे मतलब हम सेटिंग्स कर सकते हैं, जिस तरह मैंने राइट क्लिक करके आपको दिखाया, ठीक है, और शॉर्टकट्स वगैरह भी होते हैं, ये सारी चीजें हम स्टेटस बार के अंदर कर सकते हैं। भाई देखो स्टेटस बार का नाम क्या है, स्टेटस, स्टेटस का मतलब जो भी काम हम उसमें परफॉर्म कर रहे हैं उसका स्टेटस शो करवाना है नीचे। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कोई काम करके फाइल सेव करते हैं, तो स्टेटस में अगर हमारा सेव करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया है तो वो स्टेटस बार में दिखा रहा होता है सेविंग द फाइल, इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्रेस वो स्टेटस बार के अंदर दिखाता है। फिर यहाँ पे देखो इट ऑल्सो कंटेन्स द व्यू एंड जूम कंट्रोल। अभी मैंने बताया व्यूज जो होते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा व्यू सेलेक्ट हुआ है, गैंट चार्ट। इसके अलावा देखो टास्क यूजेज, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये इस तरह से एक स्क्रीन दिखा रहा है, फिर टीम प्लानर पे जाओ इस तरह से एक वो दिखा रहा है व्यू, रिसोर्स शीट पे जाओ तो इस तरह की व्यू दिखा रहा है। हम यहाँ पे किस पे काम करेंगे, गैंट चार्ट के ऊपर, तो आपने मेक श्योर करना है कि गैंट चार्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि व्यू जूम के कंट्रोल्स होते हैं टू चेंज प्रोजेक्ट व्यू एंड टाइम स्केल। अब आ जाओ हेल्प, एमएस प्रोजेक्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। मतलब कुछ कंटेक्स्ट ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे होते तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्लिक द क्वेश्चन मार्क एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो टू डिस्प्ले द हेल्प मेन्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप जाओ, ये जो आपको क्लोज के बटन नजर आते हैं यहाँ पे आपको हेल्प का आइकन नजर आता है, तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपके लिए हेल्प प्रोवाइड हो जाती है इंटरनेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह की विंडो होती है, ठीक है, मतलब जो भी आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से हेल्प चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि नेट से आप कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूं यहां से, ठीक है। अच्छा फिर ये जो हेल्प मेन्यू था ना, ठीक है, इसको आप दूसरी तरीके से भी ले सकते हो। देखो एमएस प्रोजेक्ट हेल्प ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द फाइल टैब के अंदर भी हमें मिलता है। फिर आप अल्टरनेटिवली F1 की भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने शॉर्टकट क्या बताया कि अगर आपको हेल्प ओपन करना है तो आप डायरेक्ट F1 की भी प्रेस कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट F1 की प्रेस करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल F1 की प्रेस करते हैं, तो देखो वही हमारे पास मेन्यू ओपन हो गया जो हम इस क्वेश्चन मार्क के बटन के ऊपर क्लिक करके ले रहे थे, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है।